भानुप्रतापपुर उपचुनाव में मतदान होने से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। एक तरफ जहां पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने भाजपा प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम पर संगीन आरोप लगाया है कि ब्रह्मानंद नेताम पर पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध दर्ज है, बावजूद इसके भाजपा ब्रह्मानंद नेताम को अपना प्रत्याशी बना रही है। इधर भाजपा अब अपने प्रत्याशी के बचाव में सफाई दे रही है। अंबिकापुर के भाजपा कार्यालय में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अनुराग सिंह देव ने यहां पर प्रेस वार्ता करके कांग्रेस पर निशाना साधा। अनुराग सिंह देव ने आरोप लगाया है कि भानुप्रतापपुर उपचुनाव को कांग्रेस षड्यंत्र पूर्वक जीतना चाहती है, और यही नहीं मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने एक तीर से दो निशाने लगाए हैं। प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम से इस तरह की बयानबाजी कराकर भाजपा प्रत्याशी की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में ये जो घृणित राजनीति शुरू हुई है कांग्रेस की तरफ से, उसकी भी घोर निंदा करते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी एक तो बीजेपी पर निशाना साधे इसको लेकर, और एक तीर से ही दूसरा निशाना उन्होंने मोहन मरकाम जी पर साध दिया। उनको पॉस्को एक्ट में इस प्रकार का बयान और इस तरीके के आरोप लगवा दिए उनके माध्यम से, उनके मुख से, कि वो खुद अब कानूनी दायरे में आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।